नमस्कार मित्रों, ई स्प्रिट वर्ल्ड चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दिवाली के अवसर पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग ना जाने कौन कौन सी विधि अपनाते हैं। इन विधियों में बहुत सारी विधियां ऐसी होती हैं जिसको सामान्य लोगों को अपनाना थोड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में वैसे तो बहुत सारे यंत्रों की चर्चा की गई है, लेकिन महामेरु श्री यंत्र इन सभी यंत्रों में सबसे प्रभावशाली यंत्र है। यह यंत्र महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। महामेरु श्री यंत्र महालक्ष्मी के पराविद्या का साक्षात स्वरूप है। इस यंत्र की स्थापना से सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि पर कुछ भी नहीं था, तब माता लक्ष्मी के विचार से एक मेरु उत्पन्न हुआ। माता लक्ष्मी के विचार से उत्पन्न यह यंत्र ही मेरु श्री यंत्र कहलाया। इस यंत्र में ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवी देवताओं का वास है। इस यंत्र की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जिस तरह मंत्र की शक्ति उसके शब्दों में होती है, वैसे ही यंत्र की शक्ति उसकी रेखाओं और बिंदुओं में होती है। श्री यंत्र में 9 त्रिकोण होते हैं, जिसे शिव के 9 मूल प्रकृतियों के संकेत के रूप में देखा जाता है। इस 9 त्रिकोण से मिलकर ही 45 त्रिभुज बनते हैं, जो 45 देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस यंत्र के बीच भाग में एक बिंदु होता है, जो कि समाधि का सूचक होता है। यह बिंदु शिव और शक्ति का संयुक्त रूप होता है। इस यंत्र में कुल मिलाकर 9 चक्र होते हैं, जो देवियों का प्रतीक होता है। मान्यता है कि जहाँ श्रीयंत्र की स्थापना होती है, वहाँ माँ लक्ष्मी आने के लिए विवश हो जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और ताकतवर यंत्र श्रीयंत्र ही है। हालांकि श्रीयंत्र को धन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह शक्ति और अपूर्व सिद्धि का भी प्रतीक है। श्रीयंत्र के प्रयोग से संपन्नता, समृद्धि और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र के सही प्रयोग से हर तरह की दरिद्रता दूर की जा सकती है। माँ लक्ष्मी का प्रिय श्री यंत्र इंसान को धन, संपदा, संपन्नता और वैभव से मालामाल कर सकता है, लेकिन कोई भी यंत्र या मंत्र तभी अपना पूरा प्रभाव दिखा पाता है जब हम उसे सही नियम और सावधानी से प्रयोग करते हैं। श्री यंत्र की स्थापना करने से पहले देख लें कि यंत्र बिल्कुल ठीक बना हो, क्योंकि गलत यंत्र की स्थापना करके आप कई तरह की मुश्किलों से घिर सकते हैं। जहां भी श्री यंत्र की स्थापना करें, वहां सात्विकता रखें और नियमित मंत्र जाप करें। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अलग अलग कामनाओं के लिए श्रीयंत्र का अलग अलग प्रयोग होता है। अगर आपको जीवन भर के लिए धन और संपन्नता चाहिए, तो आपको स्फटिक का पिरामिड वाला श्रीयंत्र पूजा के स्थान पर स्थापित करनी चाहिए। इसे गुलाबी कपड़े या छोटी सी चौकी पर स्थापित करनी चाहिए। रोज सुबह इस यंत्र को जल से स्नान कराएं और फूल चढ़ाएं, फिर घी का दीपक जलाकर स्फटिक के माला से श्री यंत्र के मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, श्रृंग ह्रिंग क्लिंग ऐं सौ ओम ह्रिंग श्रृंग क ऐ
ई ल ह्रिंग ह स क ह ल ह्रिंग स क ल ह्रिंग स एंग क्लिंग ह्रिंग श्री। इस मंत्र जाप से माता लक्ष्मी अति शीघ्र प्रसन्न होती और जीवन भर धन की कोई कमी नहीं होती है। तो मित्रों कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।